जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर गाइस इस पढ़ेंगे हम सभी लोग जीके जीएस के 25 यानी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। कोई सब एग्जाम हो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे वो एस एस हो यू हो रेलवे ग्रुप डी हो एन हो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी ना करें चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें वीडियो को देखें बताएं कंटेंट कैसा है क्वेश्चन किस टाइप से अच्छे हैं या नहीं है तब बाद में सब्सक्राइब करें ओके पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना बताना है टोटल नंबर में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए 25 में से आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा ओके तो बताइएगा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं बताओ फटाफट हवाई जहाज जो होते हैं किस मंडल में उड़ते हैं प्राय छोभ मंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल तो कमेंट करते रहे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ समताप मंडल में उड़ते हैं आपके क्या हवाई जहाज ठीक है ना समताप मंडल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बी करेक्ट है याद रखें आप लोग देखिए किसे गांधी जी ने आजाद शत्रु कहा था गांधी जी ने गाइस किसे आजाद शत्रु कहा था बताओ फटाफट गांधी जी ने किसे आजाद शत्रु कहा था ऑप्शन पढ़ लीजिए आप सभी लोग भगत सिंह गोविंद सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हो ठीक है ना मंगल पांडे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गाइस महात्मा गांधी जी ने आजाद शत्रु कहा था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्लियर हुआ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पर क्या बनना है देखिए पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है फिर वर्क करता है बताओ पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अवतल लेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बनना है किस देश की मुद्रा का नाम लियू है किस देश की मुद्रा का नाम लियू है बताओ फटाफट पड़ा, किस देश की मुद्रा का नाम लियू है तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस ए रोमानिया रोमानिया की मुद्रा का नाम लियू है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है याद रखें आप लोग क्लियर हुआ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनना है पाँचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है इसका राइट आंसर है पाँचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गाइस सी यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान राजस्थान राज्य पाकिस्तान की सीमा से सबसे मतलब कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है या फिर साझा करता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है राजस्थान की गाइस राजधानी क्या है जयपुर है याद रखें आप लोग तो बताओ गाइस यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है बुरजिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बुरजिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बुरजिल दर्रा क्लियर हुआ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर सेवन क्वेश्चन क्या बनना है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है बताओ फटाफट मीन कैंप किसकी आत्मकथा है तो एडोल फेटलर की है याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एडोल फेटलर इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है एक के में कितने बाइट होते हैं सभी को बताया यहाँ पर एक केबी में दस सौ चौबीस बाइट होते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दस सौ चौबीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन क्या बनना है चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता को मापने का मात्र क्यों क्या मतलब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता को किससे मापते हैं बता, बताना आप सभी को तो चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता को किसे मापते हैं राइट आंसर right है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा टेस्ला से ऑप्शन नंबर ए राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है टेंथ क्वेश्चन देखिए आज का क्या क्वेश्चन है हेडकल परियोजना किस राज्य से संबंधित है हेडकल परियोजना किस राज्य से संबंधित है या फिर संबंध रखती है हेडकल परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया अभी

रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन लाया गया दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार कितनी बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत मतलब कि लगातार कितनी बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं लगातार दो बार बी करेक्ट है याद रखें आप लोग थर्टीन क्वेश्चन देखिए समय का एसआई मात्रक क्या होता है समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है याद रखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सेकेंड क्लियर हुआ चलो फिर अगला क्वेश्चन देखिए के किस भाग में पाई जाती है अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है तलवा में ठीक ना तलवा इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर खुदी राम बोस को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी खुदी राम बोस को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी फिफ्टीन क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या ऑप्शन नंबर बी 1908 में दी गई थी खुदी राम बोस को फांसी की सजा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है भारत में पहली बार कागरी कागजी मुद्रा कब प्रयोग में लाई गई भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब यूज में लाई गई सिक्सटीन क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए अठारह सौ इकसठ में याद रखें आप लोग अठारह सौ इकसठ इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस पदार्थ में एसिटिक अम्ल पाया जाता है इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सिरका एटीन क्वेश्चन देखिए फ्यू हरर के नाम से किसे जाना जाता था फ्यूहर के नाम से किसे जाना जाता था बताओ फटाफट फ्यूवर के नाम से किसे जाना जाता था इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ एडोल्फ हिटलर को ही जानते थे ठीक ना याद रखिए जर्मनी के चांसलर इसको ही बोलते हैं हिटलर को ही याद रखें इसको भी अब मीन कैंप इसकी याद में कता है एडोल्फ हिटलर की ये तीनों फैक्ट आप सभी लोग याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन किस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है किस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है असम राइफल्स का मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है यह कहीं शिलानग में स्थित है कहाँ स्थित है शिलांग में स्थित है असम राइफल्स का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ट्वेंटी क्वेश्चन देखिए किस देश की संसद को खुरल के नाम से जाना जाता है किस देश की संसद को खुरल के नाम से जानते हैं तो क्या मलेशिया तुर्की मंगोलिया इनमें से कोई नहीं है बताओ फटाफट इसका राइट आंसर है ट्वेंटी टू का सॉरी का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है ऑप्शन नंबर सी जा रहा है मंगोलिया मंगोलिया देश के संसद का नाम खुरल है ट्वेंटी वन क्वेश्चन क्या है हरपीज नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है हरपीज नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है पी करेक्ट है त्वचा को प्रभावित करता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वचा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहां पर क्या बनना है ट्वेंटी टू क्वेश्चन सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है सभी को पता है भैया एंतरे है एं। याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे में लाल तथा सफेद को मिलाकर कुल कितनी धारियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें राष्ट्रीय झंडा जो उसका है लाल और सफेद को मिलाकर कुल कितनी धारियां हैं पूछा जा रहा है थर्टीन है नहीं तेरह है कुल धारिया याद रखें ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है तेरह धारियाँ हैं ट्वेंटी फोर क्वेश्चन की सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है कन्फ्यूज करते हैं लड़के ये क्वेश्चन आर आर से एग्जाम में अभी पूछा गया हाल ही में तो सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है तो भैया याद रखें हमेशा कभी पूछ लिया जाए यम क्लिक करें मध्य प्रदेश ठीक है ना एम में ही है सांची का स्तूप राजधानी क्या है भोपाल है याद रखें आप लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बोरलाक पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है तो भैया कभी मत बोलिएगा बोरलाग मतलब होता है बोर खेतों में बोर होता है ना तो खेतों में क्या होती है कृषि खेती की जाती है ना तो इसलिए याद रखिए इस ट्रिक से खेत में होता है बोर यानी बोरिंग जिससे गाई सिंचाई होती है ठीक ना तो कृषि खेतों में खेती की जाती कृषि होती है ठीक ना तो याद रखें बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर सकते हो थैंक यू